ये दोनों लड़ रही, हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, चार पांच लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उनको बोलिए मुद्दों पर बात करें, अपने घर की पीड़ा अपनी समस्याओं में बात नहीं करें। तो फिर उस विकास का क्या मतलब है जहां एक आम आदमी धरातल पे चले जाएगा, एक आम आदमी बर्बाद हो जाएगा, उस विकास का हम समर्थक नहीं हो सकते। इतनी अमानवीय व्यवस्थाएं क्रूरताएं झारखंड के साथ क्यों? हम लोग राजनीति सब कुछ नहीं रहेगा, हमारे लिए मानवता ऊपर रहेगी, हमारा सिद्धांत ऊपर रहेगा, हमारे स्वाभिमान ऊपर रहेगा। कि सड़कों का जाल क्यों, किसके लिए? ये सारा जाल केवल और केवल यहाँ की खनिज संपदा को जितना जल्दी हो सके बाहर करके ट्रांसपोर्ट के माध्यम से देश के कोने कोने तक पहुँचाने के लिए। झारखंड भूख में है, झारखंड लाचारी में, झारखंड बेरोजगारी में, तो मुझे लगता है झारखंड को एक बेहतर लीडर की आवश्यकता है। राजनीति में हालांकि इमोशन का जगह नहीं होता है, और मेरा भी मानना है राजनीति में इमोशन होना भी नहीं चाहिए। देखिए, हम लोग का संदेश यही देना चाहते हैं कि भाई, जब भारत देश में एक प्रकार का कानून है, पूरे भारत देश के साथ नाइंसाफी नहीं होती है, तो आखिर झारखंड के साथ नाइंसाफी क्यों होती है? अभी यहाँ 8-लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है, कई क्षेत्रों में सुनने में आया है कि 3000 प्रति डिसमिल जमीन एक्वायर किया जा रहा है, यानी एकड़, अगर एक एकड़ की बात करें तो 3 लाख। वही आदमी अपनी एक एकड़ जमीन खोने के बाद वापस यदि मार्केट में जमीन खरीदने जाएगा 3 लाख लेके, तो बड़ी मुश्किल से 1 डिसमिल जमीन खरीद पाएगा, यानी 99 डिसमिल जमीन का नुकसान उसको हो रहा है। तो भाई, इन चीज़ों को कोई ध्यान में रखता क्यों नहीं है? इतनी अमानवीय व्यवस्थाएं क्रूरताएं झारखंड के साथ क्यों? और जहां तक हमें समझ में आता है, जो भी आज सड़कों का जाल बिछ रहा है वो किसान कामगारों के लिए नहीं, कॉरपोरेट उद्योगपति अरबपतियों के लिए, क्योंकि बनारस से कलकत्ता तक ऑलरेडी हमारी सड़क है जो बरही चौपारण को छूती है, बगोदर डुमरी तोपचाची बरवड्डा को छूती है, निरसा को छूती है, ऑलरेडी हमारे पास सड़क है। तो ये सोचने का विषय है कि सड़कों का जाल क्यों, किसके लिए? ये सारा जाल केवल और केवल यहाँ की खनिज संपदा को जितना जल्दी हो सके बाहर करके ट्रांसपोर्ट के माध्यम से देश के कोने कोने तक पहुँचाने के लिए। झारखंड भूख में है, झारखंड लाचारी में, झारखंड बेरोजगारी में, तो मुझे लगता है झारखंड को एक बेहतर लीडर की आवश्यकता है जो हमारे लिए लड़ सके, चाहे उसकी प्राणों की आहुति क्यों ना देना पड़े। इसलिए आज हम लोग आए एक माहौल बनाने। देखिए, हम लोग तो स्पष्ट बता दिए कि ज्यादा कुछ करना नहीं होता, बस खाली निष्ठापूर्वक काम करें तो झारखंड में बहुत पैसा है, यहाँ इतना मिनरल्स है, यहाँ इतना प्रकार से सरकार का रिवेन्यू है जो बताने की आवश्यकता नहीं है। बकायदा हम बार बार बोलते हैं कि झारखंड में कृषि क्षेत्र है, यहाँ हमारे पास इतने डैम है, चांडिल डैम, टेनुघाट डैम, मैथन डैम, पंचेत डैम, नदियों का पानी खेतों में ले जाइए, दूसरी फसल को आमंत्रित कीजिए, इतना सड़क का माया जाल बिछा हुआ है, आप वहाँ ट्रांसपोर्टिंग का माध्यम ले लीजिए, पहाड़ नदी नाला है, पर्यटन को माध्यम लीजिए, बहुत सारा स्कोप है। हम लोग तो शुरू से बोले हैं, बशर्ते विजन होना चाहिए, जो गवर्नमेंट में बैठे लोग हैं उनका विजन होना चाहिए, अगर विजन होगा तो अच्छा से राज्य चलेगा। डुमरी में 5 तारीख को चुनाव होने वाला है, ऐसे में जेबीके देखिए, चूंकि मुझे लगता है राजनीति में हालांकि इमोशन का जगह नहीं होता है, और मेरा भी मानना है राजनीति में इमोशन होना भी नहीं चाहिए, लेकिन डुमरी से हम लोग इसलिए बैक लिए हैं क्योंकि हम लोग का मानना है कि हम लोग यूथ हैं, यूथ यानी एग्रेशन, यूथ यानी समर्पण, यूथ यानी जेद, यूथ यानी जुनून। तो हम लोग एक ऐसी सीट से अपना शुरुआत नहीं करेंगे जो सीट किसी की मृत्यु के बाद खाली हुआ हो। अगर भ्रष्टाचार के मामले में आरोप होता और खाली होता हम लोग लड़ते हैं, और कोई मामला होता हम लोग लड़ते हैं, चूंकि मौत से खाली हुआ है इसीलिए हम लोग अपने स्वाभिमान को, अपने सिद्धांत को ये बात समझा नहीं पा रहे हैं, और हम लोग स्वाभिमान, सिद्धांत और मानवता की राजनीति करेंगे। और इस बात को निश्चित रखिए, हम लोग राजनीति सब कुछ नहीं रहेगा, हमारे लिए मानवता ऊपर रहेगी, हमारा सिद्धांत ऊपर रहेगा, हमारे स्वाभिमान ऊपर रहेंगे। दो साल से लगातार आप मुद्दों को उठा रहे हैं, पर डुमरी मुद्दा विहीन हो गया है, अब 2 साल नहीं, मुझे लगता है डुमरी चुनाव से पहले हम वहाँ के जो जनता है उनको संदेश देंगे कि भले दोनों लड़ रही, हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, चार पांच लोग लड़ रहे हैं, लेकिन उनको बोलिए मुद्दों पर बात करें, अपने घर की पीड़ा अपनी समस्याओं में बात नहीं करें, वो मुद्दों पर बात करें, वो विकास के लिए क्या कार्य करेंगी, क्या कार्य करेंगे उन पर बात करें, ये हम जनता से आह्वान करेंगे। अलग अलग जिलों में कर रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन का क्या प्रक्रिया? कुछ देखिए, पहला बात है कि हम लोग अभी नौसिखिए हैं, हमारे पास बड़े चेहरे नहीं है, हमारे पास बड़े लोग नहीं है, तो मुझे सूचना मिली है कि रजिस्ट्रेशन में बहुत सारी अड़चनें आएंगी जो पॉलिटिकल पार्टियां, इसलिए हम लोग अंदर खाने से और वकीलों की निगरानी में, उनकी गाइडलाइन में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को बहुत दूर तक लेके जा चुके हैं,
वो जल्द वो संपादित होगी और सबके सामने होगी। एक प्रश्न सवाल, आप तेलंगाना भी गए थे, हाँ, क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ है टाइगर जयराम महतो को? प्रॉब्लम है, बहुत सारी समस्याएं हैं, फिजिकली मेंटली बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन चूंकि मैं चाहता हूं कि अपनी समस्याओं को अपने भीतर रखें तो बेहतर होगा, क्योंकि जनता मुझे एक मजबूत सार्वजनिक है, आप एक नहीं रह गए आप, चूंकि इसलिए आप जनता के हैं, हाँ मानते हैं, जो है सो सार्वजनिक करना गलत बात नहीं होगा। क्या प्रॉब्लम हो गया आपको? देखिए मेरा प्रॉब्लम है कि जो 2 साल से कंटिन्यू एक सबका एक शेड्यूल होता है, सुबह 6 बजे 7 बजे के बीच उठना, मेरा 11 बजे रहा, सोने का टाइम होता है 11 से पहले मेरा 2-3 रहा, यानी हमने समय को ही चैलेंज कर दिया, तो नुकसान होगा, आखिर हम भी तो इंसान है, तो उसी के कारण और 2 साल से सफर होने के कारण सर में, गला में, सीना में और 3-4 जगह, 7 ऐसी जगह है जहाँ समस्याएं हैं और उसी को लेकर गए थे। आवाज नेचुरल है, बाकी हमको भी बहुत बुरा फील हो रहा है, आज लेट से भी इसी कारण आए कि तबीयत खराब था। जयराम, आप रोड बनने के खिलाफ में है, खदानें खोलने के खिलाफ में है, इस तरह से जब आप विधानसभा में सुनकर आएंगे तो आप केंद्र सरकार से पहले ही लड़ चुके हैं और लड़ते रहेंगे, तो फिर झारखंड का विकास कैसे होगा? नहीं नहीं, देखिए हम खिलाफ नहीं, हमने बार बार कहा विस्थापित कीजिए ना, अभी बताइए वो पूरा जीवन 3 लाख में सारा पैसा जब का जमीन दे दिया और आप 3 लाख पॉसिबल है, आप एक बेहतर विस्थापन ना, चलिए हटाइए, हम तो ये बोले सड़क बनाना है बनाइए, कोयला कोड़ना है कोड़िए, डैम बनाना है डैम बनाइए, उसी अनुपात में उसको जमीन दे दीजिए, उसी अनुपात में जो खाली जगह है आप विस्थापित करके उसको नौकरी चाकरी खुद मत दे, कोई मुआवजा मत दीजिए, आप जितना जमीन लिए जमीन विस्थापित करके दे दीजिए, तो आपको देना होगा, नहीं तो फिर उस विकास का क्या मतलब है, जहाँ एक आम आदमी धरातल पे चले जाएगा, एक आम आदमी बर्बाद हो जाएगा, उस विकास का हम समर्थक नहीं हो सकते। लेकिन झारखंड के बने इतने साल हो गए लेकिन विस्थापन नीति के लिए कोई बात नहीं की, और आज तक विस्थापन नीति बिल्कुल हमारे पास विस्थापन नीति नहीं है, बाकायदा जो जोबा मांझी मंत्री जी का बयान है कि झारखंड विस्थापन नीति ही नहीं है, तो बनानी चाहिए, आपको बनानी होगी, क्योंकि आज आने वाले 10 सालों में मैं बाकायदा लोकतंत्र के 4th स्तंभ के माध्यम से पूरी झारखंड को संदेश दूंगा, आने वाले 10 सालों में अगर सबसे ज्यादा कोई जिला कोई राज्य विस्थापित होगा तो झारखंड विस्थापित होगा, दामोदर नदी का तलहटी विस्थापित होगा, आने वाले 10 सालों का हम ब्यौरा आपको बता रहे हैं, इसीलिए एक बेहतर विस्थापन नीति होनी चाहिए, जमीन के बदले एक अनुपात में जमीन होना चाहिए, मुआवजा बेहतर दीजिए, जो मार्केट का रेट है, मार्केट की जो जमीन की वैल्यू उसका 4 गुना 2 गुना, और जो नियोजन उसमें अगर सृजन होता है नियोजन कर दीजिए। चिंचू प्रखंड में है और यहाँ के सीओ पे लगातार भ्रष्टाचार का आरोप लगते रहे, आपको भी कंप्लेंट मिला होगा, हाँ जयराम की तरफ से उन पे कोई आंदोलन? एशफील रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशफील लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ, मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स, फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।